इसमें क्या देखनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हम लोगों ने बोला था कि आपका हाइड्रोजन गैस को हीट करने के बाद या उसमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो इसके एटम्स जितने भी हैं उन सबों के इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेट को छोड़ छोड़ करके हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, लेकिन कुछ सेकेंड्स के बाद वो नीचे आएंगे विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसको जिसकी वजह से रेडिएशन आपका निकलेगा विद द फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर विच इज गिवन एज एच सी बाय लैम्डा। ये जितने भी रेडिएशन होंगे सबके वेवलेंथ होंगे जो कि डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करके आ रहे हैं। एंड दिस वॉज सपोर्टेड बाय रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, वेव नंबर इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा, यानी कि जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं रिलीज हो रहे हैं वो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, विद रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 109677 एंड इट इज हैविंग यूनिट एज पर सेंटीमीटर जेड स्क्वेयर एंड देन 1 बाय एनएल स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन हायर स्क्वेयर। मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके हायर से लोअर पर किस ऑर्बिट पर आया है उससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एंड जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो डिजाइन बनी थी उसको एक्सप्लेन किया गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सारे रेडिएशंस का की जो डिजाइन बनी, पहला वाला लाइमन सीरीज था जिसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह से कहां करके जंप किए थे, फर्स्ट पे। दूसरा वाला बैलमर सीरीज था, बीच में गैप था आपका, दूसरा वाला बैलमर। तीसरा वॉज, थर्ड वॉज पैशन, फोर्थ वॉज ब्रैकेट दैट वॉज गिवन, fifth is P-fund and sixth is Humphrey, ठीक है? तो इनमें सबसे ज्यादा Lyman series, and ये देख लो, this was arranged according to increasing order of wavelength and decreasing order of frequency, right? अब इसको individually हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि Lyman series में किस तरह के wavelength वाले radiations होंगे, जिसकी wavelength सबसे कम है Lyman series में। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो Lyman सीरीज डिस्कस किया, Lyman सीरीज में थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे, नॉलेज अपना यहाँ पर गेन करना होगा। Lyman सीरीज में कहने का मतलब है कि 7 तक तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी उन्होंने 2 भी कंटिन्यूड रखा है कि हो सकता है। तो एक लिमिटिंग पॉइंट उन्होंने कर दिया कि देयर शुड बी लिमिटिंग पॉइंट हियर, लिमिटिंग लाइन, जब इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फर्स्ट पे, ये पहचान एच सी बाय लैम्डा। सेवेंथ से मतलब इसको लिमिटिंग लाइन माना गया। ये भी इनको पता नहीं है कि कितनी दूर तक ऑर्बिट रहेगा क्योंकि रिसर्च हुआ ही नहीं है। दिस वॉज टेकन एज लिमिटिंग लाइन। और ई सेवन माइनस ई वन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये याद आ रहा है। ई सिक्स माइनस ई वन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और इसको हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, ई फाइव माइनस ई वन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये फिर से क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पे और भी कुछ कुछ टर्म्स आपके न्यूमेरिकल के टर्म्स आएंगे जो कि देखना होगा हम लोगों को। एच सी बाय लैम्डा, देन ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, इस वाले केस में ये जो एनर्जी का डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस विच यू आर फाइंडिंग हियर, और यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस दिख रहे हैं, थोड़ा सा सोच के बताना कि इसके वैल्यू आपको पता है कि सेकेंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट के वैल्यू है। जो वेवलेंथ निकलेगा, एक अपने हल्के से कॉमन सेंस लगाते हुए, कहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा ये बताओ। यहां पर एनर्जी का अंतर ज्यादा होगा इस वाले में या इस वाले में ज्यादा होगा, किस पर आपका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा का मतलब समझ रहे हो कि आपका वैल्यू ज्यादा होगा, अंतर इसमें ज्यादा होगा, आपके अपने कॉमन सेंस क्या कहते हैं, या इस वाले में ज्यादा होगा, ये बताओ। बेटे कुछ कॉमन सेंस तो लगाओ। आप सबको मालूम है कि एज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, एंड सबको हमने बोला हुआ था कि हर ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू रखो, नहीं तो बेटा फिर ऐसे ही आप फिर पढ़े चले जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। ये बताइए कि यहां से यहां हम लोग दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा था ना। सपोज हम सिंपल सी बात करते हैं, इसकी एनर्जी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, 5 6 7। आप हमको ये बताओ जरा सा,
कि E7 माइनस E1 का गैप ज्यादा होगा या E2 माइनस E1 का गैप ज्यादा होगा, डिफरेंस E7 माइनस E1 क्या ज्यादा होगा? अरे बाबा क्या ज्यादा होगा, एनर्जी कुछ तो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, क्या ज्यादा होगा? चेंज इन एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंक्शन्स, बिकॉज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेवेंथ ऑर्बिट इज वेरी हाई एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज वेरी लो. सो यही देखो ना, यदि हम इसको 7 किलो जूल बोल रहे हैं तो 7 माइनस 1 5 होगा, और ये यदि 2 है और ये 1 है तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा. तो तुम लोग को यदि 1 2 3 4 यदि ध्यान है कि कौन ज्यादा होता है कम होता है, तो सब लोग जरा सा सोच के बताओ कि ये वाली डिफरेंस आपकी सबसे ज्यादा होगी, दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. और तुम लोग एक चीज और समझ सकते हो कि ये दिस डिफरेंस, हाँ जी मैम, बट इंफिनिटी पे तो एनर्जी जीरो होगी ना. ये जीरो माइनस E1 की आएगा तो और ज्यादा होगा ना, जीरो माइनस आप कुछ कीजिएगा तो और वैल्यू ज्यादा होगा ना. जीरो माइनस इफ यू आर गोइंग टू टेक हियर जीरो माइनस वन करते हुए तो इट इज गोइंग टू बी माइनस वन की बात करोगे आप तो दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू लिया जाएगा जीरो माइनस माइनस वन इसकी बात आएगी, जीरो प्लस वन करते हुए आ गया आपका. तो ये वैल्यू जब भी हम निकालने की कोशिश करेंगे और वन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ये बात को ध्यान रखना क्योंकि ये सारा आपका नेगेटिव में है बेटा, ये सारा नेगेटिव में वैल्यू रहता है, E7 माइनस 1 या E2 माइनस 1 ये नेगेटिव का वैल्यू है. तो इनके डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस रहेगा ये सबसे ज्यादा होगा. और एक बात को और ध्यान रखोगे, यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो, इफ डिफरेंस इज मोर वेवलेंथ इज लेस. तो ये लाइन यदि लिमिटिंग लाइन कहलाता है तो ये वाला जो रेडिएशन होगा, this wavelength is having, this is called shortest wavelength. इसको हम लोग shortest wavelength वाला radiation बोलेंगे. Because energy difference is more, wavelength is minimum, this is reported as shortest wavelength. And ये जो E2 minus E1 है, energy difference सबसे कम है, सबसे कम in series में. इसको हम लोग longest wavelength करके बोला जाएगा. This is considered as longest wavelength. केवल लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही नहीं, एक चीज और कहलाएगा ये. This is taken as second line of the series. This is taken as third line of the series. This one is fourth line. This is fifth line here, sixth line. समझ आ रही है बात? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और ये बात को ध्यान रखना है, इसको आपको पढ़ा जाता है. यस, दिस डिफरेंस वी आर सेइंग दिस इज हायर हियर, तो हायर जहां रहेगा आप अपने दिमाग लगाइएगा कि दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट. सो क्वेश्चन आपका जब भी आएगा कि लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिखा है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पक्का इलेक्ट्रॉन जंप किया है सेकेंड से फर्स्ट में. जब तुम्हारे से शॉर्टेस्ट बोला जाएगा तो आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि इंफिनिटी से फर्स्ट पर आया है. और यदि फर्स्ट लाइन बोला जाएगा तो लाइमन सीरीज में दिस इज सेकंड, ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन कहलाएगी. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये न्यूमेरिकल में ये सारा चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. अब जैसे आप लाइमन सीरीज के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स बाल्मर सीरीज, हम जा रहे हैं बाल्मर सीरीज में. बाल्मर सीरीज में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव किया था, इसको देखेंगे. ई इंफिनिटी माइनस E2, E7 माइनस E2, दिस इज HC बाय लैम्डा, E6 माइनस E2, E5 माइनस E2, E4 माइनस E2. ये रहा, इसमें आप जल्दी से बता दो कि विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन हम किसको बोलेंगे, ये इस रेडिएशन से बाल्मर सीरीज में विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड फर्स्ट लाइन.
E3 minus E2. This is first line. Yes, E2. Right? This is going to be called first line. This is going to be called second line. Right? And isko kya bolenge hum log? Limiting line. न्यूमेरिकल में रहेगा लिमिटिंग लाइन इन बैलमर सीरीज, तो आपके दिमाग में ये बात उठनी चाहिए. अब इसके बाद इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बोलिएगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ये ट्रांजिशन से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, यहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा. समझ आ रही बात? दिस इज हियर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड दिस इज गोइंग टू बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज को ध्यान देना है कि दिस इज गोइंग एज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दिस इज गोइंग एज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. कोई परेशानी क्यों लॉन्गेस्ट हुआ? क्योंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस कम है. तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैलमर सीरीज का शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिखा है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉन जंप किया है थर्ड से सेकेंड, इलेक्ट्रॉन जंप किया इससे इससे, इस तरह की बात उठ करके आती है. इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे. So, Lyman series ho gaya, Balmer series ho gaya. Ab now we are going to move with the Paschen series. Theek hai? Paschen series mein, phir wahi cheez, E infinity minus E3 is equal to Hc by lambda. 7 minus E3, E6 minus E3 is equal to Hc by lambda. E5 minus E3, E4 minus E3 is equal to Hc by lambda. This is here. ये तो चलेगा, यहीं पे stop होगा. This is your first line. इसमें first line किसको आप बोलिएगा? कौन से word से बोला जाएगा? This will be reported as first line. This is second line. This is your limiting line for Paschen series. लिमिटिंग लाइन. एंड दूसरी बात, इसके लिए आप क्या बोलिएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. पैशन सीरीज की पहचान है ये, एंड दिस इज टेकन एज व्हाट? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सब सीरीज की नहीं, कौन सी सीरीज की पहचान है पैशन की? देखो इंडिविजुअली सभी में हम बता रहे हैं आपको, लाइमन, बैलमर, पैशन, फिर कौन सा था? ब्रैकेट. ब्रैकेट ब्रैकेट में कहां आकर के आते हैं? Which place it comes? E4. Bracket में कहां से कहां आने की कोशिश करेगा? Infinity minus E4. E4 is equal to Hc by lambda. E7 minus E4 Hc by lambda. E6 minus E4 Hc by lambda. Right? So here in this case, this is called limiting line. With shortest wavelength, and this is called first line with longest wavelength. Shortest, and this is longest wavelength. So this is going to be bracket series. ठीक है? Next आपका है P fund. P fund में क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस कहां पर स्टॉप करनी है? ये आपका फोर्थ पे था, आपको इसमें किस पे स्टॉप करनी है? फाइव पर. सेवन माइनस ई फाइव, ई सिक्स माइनस ई फाइव, एच सी वन. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक पी फंड वी आर सेइंग हियर, एंड दिस इज वेरी क्लियर टू अस. इट्स गोइंग टू बी लिमिटिंग लाइन. ये बहुत क्लियर है हम लोगों का, ये लिमिटिंग लाइन है, ये हमारा फर्स्ट लाइन. कोई परेशानी इसमें? ये आपका शॉर्ट, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हुआ, एंड दिस इज योर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. चलेगा? अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर. ये सारा लैंग्वेज था हम लोगों का. नाउ वी नीड टू स्टार्ट न्यूमेरिकल हियर, एंड न्यूमेरिकल किस तरह से चलेंगे हम लोग ये देखते हैं जरा सा. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.1613. बेटा म्यूट कर लीजिएगा सब लोग. Okay.
पहले देख लो क्वेश्चन नंबर आपका वन. दिस इज 2.13. यू मस्ट बी हैविंग एनसीईआरटी बुक विथ यू. हमने पहले ही बोला बेटा आपका एनसीईआरटी बुक सामने होना चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाएगी फिर लर्न करना. वॉट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड विद इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. आपसे ये वेवलेंथ पूछ रहा है ऑफ लाइट एमिटेड when electron in hydrogen atom undergoes transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 hydrogen ke liye hum kaun si formula aaram se use kare, which formula I should use. beta pata hai aap aaram se bolo. 1 by lambda is equal to wavelength hum log ko nikalna hai. hum e wala delta e lamba method ho jayega. 109677 क्योंकि ये हाइड्रोजन का है और ये पर सेंटीमीटर उसका यूनिट है. हाइड्रोजन का है तो z स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा. अंदर में 1 अपॉन 4 के लिए क्या लिखेंगे 16. हाँ रेडबर्ग फॉर्मूला एग्जैक्टली 1 अपॉन 4 लोअर स्क्वायर. बेटा 1 अपॉन लोअर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर स्क्वायर दैट इज व्हाट 16. ये याद है ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था. अच्छा एक चीज आप हमारे से भी गलती हुई है बेटा. एक चीज है आपका जो बोर्ड में मार्क्स मिलता है ना तो स्टेप्स मार्किंग होते हैं. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू हियर यू हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला. रेडबर्ग फॉर्मूला लिखिएगा. आपको वो एकदम से लिखना जरूरी है उसके लिए हाफ मार्क होता है. एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर स्क्वायर. फिर वैल्यू पुट करने का दूसरा हाफ मार्क होता है. देन कैलकुलेशन का 1 मार्क होगा. फिर 3 मार्क्स से क्वेश्चन है तो कैलकुलेशंस के 1 and 1.5 जाएंगे. यूनिट के हाफ मार्क रहते हैं. इस बात को ध्यान दीजिएगा. सही है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.13. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका. किसी को कोई परेशानी नहीं जल्दी से बता दो. विल यू एबल टू सॉल्व. ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में निकालोगे सेंटीमीटर में निकालोगे. लैम्डा आ जाएगा 4.86 इंटू 10 to the power. बेटा एक बार 1 बाय लैम्डा हुआ उसके बाद पलट दीजिएगा. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से शौक से बेटा साइंस आप लिए हुए हो, हमने बहुत बच्चों को देखा है कि इंटरेस्ट इनको 11 12th में आया है बेटा. एंड जो ठीक से 9 10th में कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे यू विल नॉट बिलीव दे आर डूइंग इट ब्यूटिफुली. हमारे 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टीचर्स को आश्चर्य होता है कि व्हाई साइंस हैज बीन गिवन टू देम. साइंस को दिया क्यों गया उनको, क्योंकि उनको मैथ्स में कभी ठीक से वो ये नहीं कर पा रहे थे कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे थे. लेकिन देखो जब इंटरेस्ट रहता है और अब बड़े हो गए हो तो अपने अपने सब इंटेलिजेंट होते हैं. सब सप्रेस किए हुए रहते हैं अपने अपने इंटेलिजेंस को या किसी किसी एंगल में उसको फैलाए हुए रहते हैं. तो आपका काम अब क्या रह जाता है ये सारा कैलकुलेशन. सपोज करो कि तुम बोलो कि मेरे से पता ही नहीं चल रहा क्या कैलकुलेशन. बेटा है ये 6 स्टैंडर्ड वाला चीज. अपने फ्रेंड से हेल्प लो कि हाउ टू कैलकुलेट इट हाउ टू गो विद द एलसीएम. एलसीएम इसका 16 होगा किस किस तरह से क्रॉस करेगा. एंड नेवर ट्राई टू स्केप. स्केपिस्ट टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. देखो बेटा केमिस्ट्री टीचर का यहाँ तक पढ़ाने का काम था लेकिन आगे भी ये वैल्यू नहीं लाओगे तो आपको हमने क्या बोला. यहाँ पर आपको हाफ मार्क मिलेगा यहाँ पर हाफ मार्क मिलेगा ठीक है. उसके बाद तो तुम्हारे कैलकुलेशन गए तो 3 मार्क्स में तुमने छोड़ दिया अपने आप को खुला कि छोड़ दो मेरा मार्क्स कटेगा. तो एक एक जो इतने पुराने इतने सालों से आप मैथ्स वैथ्स करते आ रहे हो तो उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए यहाँ पर ना टू कैलकुलेट दिस इज दिस वन कि क्यों मेरे 2 मार्क्स उड़े. एंड एमसीक्यू भी करोगे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ड्रीम यदि कर रहे हो तो आपको तो ये आंसर देखना होगा ना. 4 में से साइड में करना ही होगा कैलकुलेशन. तो स्केप नहीं कीजिएगा आप सॉल्व कीजिएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.13 करते हुए हम लोगों ने बात किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.14 ये क्या कहते हैं. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट. 5th ऑर्बिट में है ये. कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एनर्जी. एक बात समझना. हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट. That value is, एक चीज समझना यहाँ पर क्या मेरे से कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है
कि एक इलेक्ट्रॉन आपका फिफ्थ ऑर्बिट में रखा हुआ है, थ्री फोर एंड फिफ्थ ऑर्बिट में। एक बार जान लो बेटा, कहते हैं कि इसको पूरा एटम से निकाल कर फेंक देना है। आपको हम सिखाए थे ना कि हर न्यूक्लियस अपने कोलंबिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एटमोस्फेयर बनाया हुआ है, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, और जैसे ही उसे इजेक्ट होकर स्पेस में चला जाएगा तो वो आपका इमेजिनेशन हुआ कि उस एटम के मीन्स अर्थ के रीच से वो बाहर निकल गया, स्पेस में जाने का मतलब हुआ। उसी तरह से एटम से बाहर निकल जाना यानी कि वो उस एटम के लिए स्पेस की तरफ चला गया। वो इसका मतलब दिस इज गॉन आउट टू इंफिनिटी। यदि आपसे बोला गया है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंका, निकाल बाहर किया, इसका मतलब है कि इट हैज गॉन टू इंफिनिटी। उसको दैट इज टेकन एज इंफिनिटी एंड ई इंफिनिटी माइनस ई फाइव, ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों आयनाइजेशन एनर्जी बोले हम? क्योंकि आयंस बनाने, एटम को जब आयंस बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 281, तुम लोग सुने होंगे थोड़ा सा कि सोडियम सोडियम प्लस आयन फॉर्म में जाता है, जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अब ये स्टेट में रह गया, तो इसमें एनर्जी खर्चा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी लगता है। तो वो ये अच्छे से चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन एनर्जी खर्च आते हैं। इसलिए कि एटम से आपने आयन बनाया, एटम के रेंज से, इसके न्यूक्लियस के रेंज से आपने इस इलेक्ट्रॉन को फिकवा दिया किसी और को देने के लिए, जो एनर्जी खर्चा हुआ उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन गया आपके इस एटम के ऑर्बिट से कहीं और चला गया। इसका मतलब है कि वो किसी और के पास गया, यानी कि दूसरे एटम के पास गया, बट इसके लिए वो कहलाएगा स्पेस। एंड दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड, जो भी दमखम लगा उसको फेंक, उठा के फेंकने में इंफिनिटी पे, ये डिफरेंस को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि आपको कंपेयर करना है जो फर्स्ट ऑर्बिट से जब निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है यहां से, तो फर्स्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो वैल्यू इसका दिया गया है आपके पास माइनस 21 पॉइंट, बेटा ये वैल्यू हम लोग को दिया गया है ई एन माइनस 21, साइड में लिखा हुआ ऐसा कुछ 7 × 10⁻¹⁹ एन स्क्वायर जूल्स पर एटम, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंफिनिटी के लिए तो जीरो, कोई भी चीज आप इंफिनिटी स्क्वायर करते हो ना तो वो तो जीरो हो जाएगा। ये आपको हिंट दे दिया गया है कि भाई हर ऑर्बिट का ये वैल्यू है। तो तुम जो पढ़ के आ रहे हो किलो जूल पर मोल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये आपको जूल्स पर एटम में दिया हुआ है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको फॉलो करना होगा। अब हम कैसे निकालें ये आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, कैसे निकालने की कोशिश करें? हम जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे माइनस 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 द स्क्वायर इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये वैल्यू आपका जीरो हो जाता है, दिस वैल्यू इज जीरो एंड ये वैल्यू माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितने के करीब आएगा, कितने के करीब ये वैल्यू आ जाएगा? व्हेन यू विल कैलकुलेट हियर दिस वैल्यू विल कम एज 8.716 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स पर एटम, ये वैल्यू, ठीक है, इतना आएगा। तो आपके क्वेश्चन क्या कहा था कि आप उसके बाद कंपेयर कर लो जब फर्स्ट ऑर्बिट से निकलेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट से निकलेगा की बात कहता है कि नेचुरली फर्स्ट ऑर्बिट से निकलेगा तो यही एनर्जी लगेगा। बेटा आप एक चीज बताओ, ये तो हमने फिफ्थ ऑर्बिट से निकालने की बात की, यदि फर्स्ट ऑर्बिट से निकलता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? यदि फर्स्ट ऑर्बिट से निकलता तो हम फॉर्मूला क्या लिखते? इन्फिनिटी माइनस ई बार इज इक्वल टू डेल्टा ई। सो ई इन्फिनिटी तो जीरो हो गया and this value which has been given to us 21.79 into 10 to the power minus 19 divided by what? So, ye to yahi value hua na? Theek hai, this is your joules per atom jab first orbit se niklega,
ये लाइन समझ में आया कि नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का मतलब समझ में आया कि नहीं, कि एटम से यदि इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, एक बात हर समय समझ के रखो, तुम्हारा जितना भी दुनिया जान में एटम्स हैं, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, या शेयर होता है, या तो किसी को देगा, या किसी से लेगा, या किसी से शेयर करेगा। तो तुम्हारे दिमाग अब उस एंगल से चलने चाहिए कि जब वो तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड, बॉन्डिंग चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ रहे थे, तो तुमने देखा था कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें एनर्जी खर्चा वर्चा भी तो आएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ी अलाउ करता है निकलने का, उसको मन है लेकिन खर्च बैठता है। सो दैट इज रिपोर्टेड एज आयनाइजेशन एनर्जी। जाता कहाँ है? जो सोडियम क्लोराइड तुमने बनाया होगा तो सीएल पे जाता है, इट गोज टू सीएल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैल्यू, ये था 2.14। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2.16। क्वेश्चन नंबर 2.16 ये था एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। इन्होंने क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज -2.17 इनटू 10^-18 जूल्स पर एटम। What is energy associated with the fifth orbit? Fifth orbit की energy क्या होगी? -2.17 into 10^-18 divided by 5 square, that is what? 25. होगा या नहीं? आपसे पूछा fifth orbit से कितना energy होगा, तो हमने बता दिया 2.17, समझ रहे हो? Into 10^-18 divided by 25. ये answer हुआ एक। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये जाएगा आपका -2। कितना कितना फॉर्मूला है बेटा, कोई बता दो क्या लिखेंगे हम? 0.529 इंटू कितना स्क्वायर? 5 स्क्वायर। Z तो हाइड्रोजन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। आर्मस्ट्रांग हुआ 0.529 इनटू 25। ये क्या कर दें हम लोग? इनटू 10^-10 मीटर। ठीक है, आपके आंसर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएंगे। विल बी एबल टू कैलकुलेट हियर। तुमको आर्मस्ट्रांग में छोड़ना है या नैनोमीटर में छोड़ना है, दैट यू कैन डू इट, यू डिसाइड। ए नॉट में दिया हुआ है तो ए नॉट में छोड़ करके आप रख सकते हो आंसर। देयर इज नो प्रॉब्लम, नोबडी हैज रिस्ट्रिक्शन। सही हो जाएगा। अब आइए बेटा यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 2.17। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कुछ स्ट्राइक किया अभी आपको हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहीं से पढ़ा के आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। कम ऑन, इफ यू आर राइटिंग हियर देन यू विल जस्ट लेट मी नो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप किया है उसका वेव नंबर आपको निकालना है। तो ये वेव नंबर निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या जाएगा जल्दी बताओ। 109677 राइट ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या लिखे हैं? 1/2 स्क्वायर। वेरी गुड, लॉन्गेस्ट है, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका पर सेंटीमीटर करके आंसर आपके निकल के आएंगे। जो भी आंसर निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी, तुम सोच लो कि आपको दूसरे तरह तरह के एग्जाम्स में बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने यहाँ बोला है, कभी शॉर्टेस्ट बोल देगा, या शॉर्टेस्ट बोला रहता तो तुम क्या करते? 2 स्क्वायर पर रहने देते या इंफिनिटी स्क्वायर कर देते? और सेफ साइड, वो तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, जीरो हो जाता है आराम से। कभी फर्स्ट लाइन बोल देता है, कभी सेकंड लाइन बोल देगा, उससे तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके एकदम श्योर रही कि मेरे से गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 2.18
सबको क्लियर जा रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस आ रहे हैं कि हम एक चैप्टर किए ही अच्छा खासा, मेरे से क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस तो आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2.18, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट. कहते हैं कितनी एनर्जी लगेगी एन इज इक्वल टू फर्स्ट से फिफ्थ पे जाने के लिए. एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड when the electron returns to the ground state of electron energy is tumko first ka diya hua hai minus 2.18 into 10 to the power minus 11 ergs. theek hai, aapse kehte hai ki panchwa se first pe aa rahe hain to zara energy bhi bata do aur wavelength bhi bata do. hum kya kare, delta e is equal to e5 minus e1 kare bolie. पहले डेल्टा ई निकाल लेते हैं फिर वेवलेंथ निकाला जाएगा. फिर 5 में क्या लिखेंगे, माइनस 2.18 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 माइनस 2.18 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. बोलो डेल्टा ई एक बार निकल गया वैल्यू. वंस यू गेट दिस डेल्टा ई वैल्यू अर्क्स में आएगा, वैल्यू आपका अर्क्स में आएगा. ये तो समझते हो सीजीएस यूनिट में जाते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 2.1028 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्क्स. ये हमने साइड में रखा हुआ था आंसर इसका, उससे आपको बता रहे हैं सो दैट यू कैन डू इट इजीली. अच्छा अब देखो क्या सीन है, इसको हम लोगों को ये फॉर्मूला से जाना होगा. डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. एच हमको पता है, this is your 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds. और ये भी 3 into 10 to the power 8 meter per second से. हम lambda यहाँ लेकर आ जाते हैं. तो हमारा हक बनता है कि हम delta E जो ergs में आया है उसको joules में change कर दें. ergs को joules में change करने के लिए ध्यान रखोगे 10 to the power minus 7 से multiply करनी पड़ती है. कितने से multiply करना होगा? Just multiply it with 10 to the power minus 7 so that you will get as joules. ठीक है? इसको 10 to the power minus 7 से multiply करना होगा. यानी कि कौन सी value लेकर आ जाएं? 2.1028 into 10 to the power, ये minus 11 हुआ, ये minus 7 हुआ, तो power add हो जाएगा minus 18. तो आपके जो value आएंगे, ये value आपका meter centimeter, क्योंकि ये meter में deal कर रहे हैं. देखना यहाँ पर ये मीटर में है, सो नेचुरली आंसर आपका मीटर में. बहुत केयरफुल रहना है यूनिट के बारे में, आराम से काम करो, सोच सोच के काम करो, बिना परेशान होके काम करना. एंड यूनिट वगैरह के लिए कॉन्शियस रहिएगा बहुत ही ज्यादा. यूनिट के लिए यू हैव टू बी अलर्ट. चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर जाएगा, 2.19. देखो कितने सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपका फॉर्मूला एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए. द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, एनर्जी दिया हुआ है, अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है. आपको एकदम मस्त रहना है, उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी. एक दो याद रखो, यदि ये भी जूल्स में भी याद हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है. ये दिया हुआ है, आगे कहता है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एन इज इक्वल टू 2. बेटा बोला सेकेंड से उठा के फेंक दो, उसके लिए एनर्जी कितने खर्चे होंगे, वॉट इज, उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वगैरह कहते हैं. Longest wavelength that can be caused during this transition. ये हमारे से बताया नहीं कि कौन सा सीरीज का है, तो पहले हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं, उससे रिलेटेड फिर वेवलेंथ निकाल लेंगे. तो डेल्टा ई कैसे निकालें, मेरे से क्या बोला, E infinity minus E2. ठीक लिखे बेटा, बोले सेकेंड से उठा के फेंक दो, इसका मतलब यही मीन कर रहा है ना कि इन्फिनिटी में फेंक दो. हेलो, इस लाइन से समझ में आ रहा होगा. कैलकुलेट the energy required to remove an electron completely from second orbit. Could you follow here? They are telling us to throw it to infinity here. Yes, sir. क्या लिखे? Minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by infinity square minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by. So this value is zero. ये तो zero है आपका. So delta E is going to be कितना हो जाएगा, delta E
जो आपने यहाँ पर निकाला वैल्यू -2.18 प्लस आ जाएगा ना 18 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इससे फिर आपको निकालना है वेव लेंथ इक्वल टू एच सी वाला. मैम 10 टू द पावर 18 होगा. 18 ठीक है. इससे फिर वेव लेंथ निकालिएगा. लेकिन ये यूनिट आपका फिर जूल्स में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू चेंज इट इनटू जूल्स हियर. आराम से यहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे? What H is going to be 6.6 into 10 to power minus 34. अच्छा एक बात बताओ, रिपीट किए चले जा रहे तो किसी को लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बस ये कैसे होगा, कैसे रट्टा आएगा, ये सारी चीजें फिर से आपको बीच बीच में हम याद दिला रहे हैं कि बेटा शौक क्या, आप आए हो अपने शौक से आए हो तो आपको इतनी एंड थोड़ा सा साइंस स्टूडेंट्स का वर्क जो रहता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है. आप जितना मेहनत करोगे आपके बुद्धि लेवल उतने जाएंगे, नॉलेज उतना बढ़ेगा एंड यू विल बी मोर नॉलेजेबल कंपेयर टू मोर एडुकेटेड कंपेयर टू अदर्स. ये बात को जान लो. तुम्हारा सोचने समझने का ढर्रा और लोगों से बेटर होगा. तो ये इस लेकिन कब होगा? जब इसमें लग करके काम करोगे तब. हर बार सोच के चलो क्या ये फालतू चीज है? नहीं, ये फालतू चीज नहीं है. ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानेंगे. ये यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा. और ये हम सुनना नहीं चाहते हैं बेटा, अच्छा नहीं लगता सुनने में. और पेरेंट्स कहते हैं न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं आता बच्चे को, क्योंकि क्या क्या पसंद नहीं आता, तो उससे गुना भाग नहीं हो पाता. देखो कितनी कितनी कितना तुम लोगों की वजह से ये बात पेरेंट्स को भी परेशानी होती है. गुना भाग नहीं आ पाता है, तो गुना भाग तो आपको छोटी क्लास में आपको वार्न किया गया था कि आपको अच्छे से पढ़ना है. नहीं किया हुआ है, कभी छोटे भाई बहन के बगल में बैठ जाओ, उन लोगों से पूछ लो कि भैया कैसे तुमने किया था. छोटे भाई बहन को सीरियसली बताओ कि ये नहीं करने, पोर्शन कट करने का नहीं सोचे, अच्छे से पढ़े ये सारा चीज बेसिक. चलिए इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.33. बेटा क्वेश्चन नंबर 2.33 आएगा. बहुत है ना, बहुत क्वेश्चंस हो गया. नहीं जल्दी बताओ, गंदा लग रहा है या अच्छा सही लग रहा है? कम ऑन से सही लग रहा है. नहीं बोलने का दिल कर रहा है तो चैट बॉक्स में भी लिख दो कम से कम. आर यू ओके विद दिस? नहीं कैलकुलेट करते हुए 2.33. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है. स्कूल में आ गया, मेजोरिटी नहीं करेगा, मेजोरिटी नहीं करेगा. और जो थके थका वाला एटीट्यूड रखते हैं उससे तो सवाल ही नहीं उठता, चोरी चपाटी भी नहीं कर सकते. जान लो, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as a Balmer's transition when electron jumps from fourth to second of helium ion spectrum. देखो क्या कर दिया इसमें. कहते हैं दो स्पेक्ट्रम की बात की, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने हीलियम आयन स्पेक्ट्रम की बात की. उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ, तो ये एलिमेंट चेंज हो गया ना, इसका स्पेक्ट्रम निकाला गया. कहा गया कि इसमें भी बैलमर ट्रांजिशन सीरीज दिखा. When n is equal to 4 to n is equal to 2, ठीक है, in Balmer series, इससे जो wavelength निकला, wavelength which is determined when electron jumps from 4th to 2nd orbit, same wavelength यहाँ भी, same wavelength, wavelength is same, wavelength is common, same as helium ion, अभी जब इलेक्ट्रॉन जंप किया इससे इससे. लेकिन ये वेवलेंथ सेम क्या तभी होगा जब यहां पर भी हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन जंप करे फोर्थ से सेकंड? नहीं. देखो सेकंड तो एक तो नोन है. बाल्मर सीरीज का मतलब ही होता है कि नीचे एक तो ऑर्बिट तुम्हारा एकदम क्लियर है. अपने अपने कॉमन सेंस सब लगाइएगा जरा सा. तुमसे जब बाल्मर सीरीज बोला यानी कि तुमको इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है. यू आर वेरी क्लियर विद वन थिंग दैट ओके इट हैज टू बी ऑन सेकंड. तो यहां पर भी सेकेंड ही होगा.
यानी एक ऑर्बिट आपको पता है, लोअर ऑर्बिट आपको पता है सेकेंड, आपसे कहता है कि यहाँ इस वाले केस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करे, ये लोअर का नहीं, ये हाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कहाँ से कहाँ जंप करे जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपका सेम वेवलेंथ निकल करके आए, इलेक्ट्रॉन शुड जंप। अच्छे ये बाल्मर सीरीज नहीं दिखा रहा है, ये लाइन हम थोड़ा सा गलत यदि समझे हो गए तो गलत हो गया है बेटा, ये आपका बाल्मर सीरीज नहीं दिखा रहे हैं, ये आपका सिंपल सा कह रहे हैं कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट किया होगा, ये आप जरा निकाल के बताओ। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, इसका भी वेवलेंथ 1/Rydberg फॉर्मूला क्या होता है 109677, हमको नहीं पता कहां से कहां आ रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमको नहीं मालूम है बेटा, ठीक है। यहाँ के केस में the same चीज 1/λ is equal to 109677, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर z square भी होता है, याद है ना, तो यहाँ z square one और z square one upon two square minus one upon 16, ठीक है। तो ये वाली जो value है, ये जो wavelength वाली value है, हम इसको अब equal कर देंगे क्योंकि मेरे से बोला कि ये दोनों same है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, I'll put it like this, Z तो हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, I'll take it like this, हम लोग ऐसा लेंगे, is equal to 109677 and this is going to be 4, बेटा ये 4 है, agree, and यहाँ पर 1 upon 4 minus 1 upon 16, ये cancel हो गया, कैंसिल दिख रहे हैं। अब और थोड़ा सा अपना लॉजिकल ब्रेन लगाना शुरू करो, दिस इज कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट तो 3/4 होगा, मतलब 16 माइनस 4 करोगे, 16 माइनस 4 कितना 12 होगा, और नीचे 16 है, चार चक सोले 3/4 आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मेंटल मैथ्स से भी कर सकते हो, This is going to be 3/4. अब एक बात समझो, एकदम से मैथमेटिकली जरा से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि ये एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है, हम कैसे निकालेंगे लोअर कौन है हायर कौन है? तो यहाँ हमारा कॉमन सेंस डिमांड करता है और हमारा जो इतना मैथमेटिकल सेंस है उससे थोड़ा सा, सबको पता है कि जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या करोगे, एलसीएम ऐसा कीजिएगा, ऊपर में एन एक्स स्क्वायर माइनस इधर एन लोअर स्क्वायर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो ये पता कर लो कि ये वैल्यू जो आपका है, ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 4 एंड ये माइनस वाला वैल्यू आपका इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या करें, क्या दिमाग लगाएं, अपने से दिमाग लगाइए, 4 होना चाहिए। तो हम कौन कौन सा ऑर्बिट लें, तो एक ऑर्बिट तो समझ में आता है कि हमारा मतलब 4 मल्टीपल 4 होना चाहिए, किसका मल्टीपल 4 हो सकता है, किसका मल्टीपल 4 हो सकता है, किसको गुना कीजिएगा तो 4 होगा, ये है कि आप इसको 2 स्क्वायर कीजिए, यहां पर आपसे कह रहे हैं कि आप रिवर्स में अपना लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, माइनस 1 स्क्वायर कीजिएगा तभी जाके 3/4 आएगा, यानी कि एक ऑर्बिट आपका फर्स्ट होना चाहिए और दूसरा ऑर्बिट यहाँ पर सेकंड होना चाहिए, एक ऑर्बिट फर्स्ट होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिट सेकंड होना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है, दूसरा एक फर्स्ट होना चाहिए और दूसरा ऑर्बिट हम लोगों ने क्या बोला सेकंड, तभी जाकर के हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोगों को, After that we get here another question, a last question वो रखेंगे जो हमको दिख रहा है, ये है question number 34, 2.34, ये क्या कह रहा है, calculate the energy required for the process, helium ion changes into helium 2 plus, plus electron. The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state is 2.18
8 into 10 to the power minus 18 joules per atom. समझ रहे हो? ये क्या कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम है आपका, इसमें जो एनर्जी खर्चा बैठा वो इतना है. आपसे कहता है कि हाइड्रोजन के लिए ये इतना था. हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में जब फर्स्ट से निकाला गया इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी तक ले जाया गया तो इतना एनर्जी लगा, तो हीलियम में कितना लगेगा? तो ये सिंपल सी बात है. देखो, फर्स्ट में हाइड्रोजन में निकालने में इतना खर्चा हुआ था, यानी कि हाइड्रोजन में भी डेल्टा ई तुम किए होगे, तो ये वैल्यू यदि 2.18 into 10 to the power minus 18 आ रहा है, तो आप यही फॉर्मूला यूज किए थे ना, E1, यही फॉर्मूला यूज किए थे. और सबको पता है कि इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, E1 होगा. E1 का वैल्यू क्या होगा? माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18. दिस इज वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे अब क्या करने जा रहे हैं? हीलियम के लिए यूज कर रहे हैं. हीलियम में आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू के बगल में क्या आ जाता है? ये z आ जाता है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर z था यहाँ पर. तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट शेल से ही निकाला गया था, तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं डेल्टा e इज इक्वल टू e इन्फिनिटी माइनस e1. e इन्फिनिटी तो चलो जीरो है, यहाँ पर माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 1. इसका भी फर्स्ट शेल से जा रहा है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला लिखते थे? माइनस क्या फॉर्मूला है जल्दी से बता दो. माइनस 1312 z स्क्वायर करते हैं ना? यस मैम. बेटा z स्क्वायर करते हैं ना? सो दिस इज 2.18 into 10 to the power minus 18 into 4. ये दिस इज वैल्यू इज 8.72 into 10 to the power minus 18. इतना क्वेश्चंस था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में. अब इससे रिलेटेड और कुछ आएगा हम लोगों को, तो वो हम लोग विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है? इसके कोई और क्वेश्चन आएगा विल बी टेकिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. और जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन नंबर 55 भी है, सिमिलर है. यदि मोमेंटम में हो तो बोलते हो तो हम कर दें क्या? क्वेश्चन नंबर डू यू वांट आई शुड डू 2.55? जल्दी बोलिए, यस नो तो कर दो. यस मैम. यस मैम. एक साथ इकट्ठा हो जाएगा आपका नोट्स पर. एमिशंस ट्रांजिशन इन पैशन सीरीज. बेटा ये पैशन सीरीज पर बात कर रहे हैं. At orbit n is equal to 3. Starts from orbit n. कहाँ से start किया है? इसमें आपको frequency दे रहे हैं, ये wave number दे रहे हैं as 3.29 into 10 to the power 15 and bracket में लिखा है 1 upon 3 square minus, ये दिया हुआ equation और कहता है ये n निकाल. They are asking us calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. 85 nanometer. ये question पर बात किए हैं लोगों ने. Find the region of the spectrum. ठीक है, ये ऐसा करेंगे कि इसको अभी हम निपटाएंगे नहीं. बेटा हम spectrum वाली चीज next slides में, I'll be ready with the value of different colors. ठीक है, वहां पर हम लोग 2.55 यानी परसों वाली क्लास में 2.55 एंड 2.56 आप रेडी रखिएगा. हम लोग फ्रेश माइंड से उसको स्टार्ट करेंगे. आई विल बी रेडी विद द स्पेक्ट्रम का कौन कौन सी कलर पे क्या क्या रहते हैं एनसीईआरटी ने जो दिया है, हम लोग उसके साथ रेडी रहेंगे और आपको फिर प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे. नहीं तो ये अभी लंबा टाइम लग जाएगा और हमको अभी निकालना पड़ेगा स्पेक्ट्रम के वैल्यूज. आपको रटना नहीं है, वो रिलेट करनी है. कैसे रिलेट करनी है वो आपको हम सिखाएंगे, ठीक है? We'll be moving now. Next class में वो दो questions उठा लेंगे 2.55 और 2.56. उसके बाद drawback of Bose model शुरू करेंगे हम लोग. Drawback of Bose model शुरू करेंगे. उस spectrum के बारे में और बताएंगे, types of spectrum कौन कौन सा होते हैं. उसके बाद drawback start करेंगे. सही है, चलिए फिर हम लोग. Okay.
आई वांट टू आस्क वन थिंग बेटा एक मिनट रुक जाओ